कैसे चलता है? मेरा यहाँ फोटो क्लिक कर देना, ठीक है? अपने हाथ से बनाते हैं, हम लोग आए हैं सरस मेला। ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरस मेला परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सभी उद्यमियों सरस रसोई ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए हैं सरस मेला और मुझे लगता है कि आपको आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ इतना भीड़ है आज के दिन, इतना भीड़ है कि लग रहा है गलती कर दी आकर, है ना? हाँ, मतलब काफी टाइम के बाद यहाँ सरस मेला लगा है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम भी घूमे एंड आपको भी दिखाएं। तो इतनी भीड़ में देखते हैं दिखा पाते हैं नहीं। अगर दिखा पाए अच्छे से तो ठीक है, नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। तो चलो चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं कि सरस मेला में क्या क्या आया है इस बार। तो चलिए चलते हैं। तो हम ना एक एक करके सारे स्टॉल पे तो नहीं जा पाएंगे। ऐसे भी क्या होता है ना कि सारे स्टॉल पे एक ही आइटम, एक ही टाइप के आइटम होते हैं। सबसे पहला शुरुआत होता है यहाँ पे चिकित्सीय सहायता से, उसके बाद है नियंत्रण कक्ष, फिर इधर से स्टार्ट होता है स्टॉल्स वगैरह। तो चलो हम लोग इधर ही चलते हैं क्योंकि इधर के स्टॉल बंद है। तो यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पे वुलन मिल रहा है कुछ, आ जा। हटो ना माँ, जो हम लिए वही वाला है, ये जो हम लिए वही है ना, ये डिजाइन अलग है, काम है अलग है। ये कितने का ये? 750। और ये वाला? ये
तुम्हें कुछ लेना है कैसे? क्या प्राइस इसका? 150 का, 100 का, 100 का। तुम पहनते तो हम तो नहीं पहन पाएंगे, तो तुम दिला दो हम पहन लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है। कौन ये सेट है? हाँ, ये पूरा सेट का क्या प्राइस है? 360। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे 360। 300 लास्ट है। बोलो क्या बोल रहे हो? ये आपका है? हाँ, हमारे मेरा है। थोड़ी हमको लेना चाहिए। चिपका हुआ है, पिन लगा है। बैग बहुत। इसे क्या प्राइस है? 280 का। 280 जाना है ना? अच्छा चेन नहीं है वो लैपटॉप का। ये सब कितना सुंदर लग रहा है वो। माय गॉड, ये फ्लावर पॉट है। सेल लगा हुआ है क्या चीज? कुर्ती मिल रहा है, बोलेन कुर्ती। साड़ी यहाँ इतना स्टॉल है ना कि सबको कवर करना मतलब मुश्किल है। सारा कवर नहीं हो सकता एक एक जगह जाकर, क्योंकि गांधी मैदान बहुत बड़ा है और उतना ही बड़ा मतलब शॉप लगा हुआ है। पता नहीं कितना है, कितना सारा लगा है जी, पूछना पड़ेगा किसी से कितना स्टॉल लगा है यहाँ पे। कुछ कुछ यूनिक भी मिलते रहता है यहाँ पे। क्या मिल रहा है यहाँ पे आखिर? इटालियन बी शहद। तो यहीं पर डायरेक्ट बना रहे क्या? कौन? संतोष शहद, हम जीविका से मैनेजर जॉब है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? यही बन रहा है। अच्छा, ये सैंपल बॉक्स है। अच्छा अच्छा, अभी वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो आपको पता नहीं होगा उसका ट्रेनिंग। यहाँ पे गलती से ही खुल गया तो तो काट लेगा ना, खुल जाएगा तो? ऐसे नहीं काटता मैं, बिना छपे या दबाए हुए या नहीं काटते। यहाँ पे है अभी नॉर्मल, ये ऐसे नहीं काटेगा। ये मक्खी है जो कि इंडियन बाहर पेड़ों से है, इसमें इटालियन। अच्छा, वो दूसरा है और ये जो दूसरा है ये सब इसको बेचते हैं। अच्छा, नहीं इटालियन, इटालियन भी। अच्छा, इस बार एक चीज यहाँ है क्या कि झूला वगैरह लगा है? झूला नहीं रहता था पहले? पहले झूला यहाँ नहीं था बच्चों के लिए। एंड ये कैंप ऑफिस है, इवेंट मैनेजर। और यहाँ कालीन वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। ये तो भारी है, ये भारी है, बहुत भारी है ये वाला हल्का। लेकिन ये वाला 250। एकदम मत लेना जी, सब तारस को तो झाड़ रहा है। ये 500 जोड़ी है, नीचे 1100 रुपये। ये वाला क्या रहेगा?
और ये वाला ये भी 250 पे लगा दे। कितना मिलता है खेतान में? बहुत हो गया ताली। ये सब कितने का है? 150 का एक, 300 का जोड़ा। वही वाला लग रहा है जिसमें अंदर कुछ है। और ये वाला? ये 250 का जोड़ा है। आई ये कहाँ पे रखेगा जी? ये? मैंने लिया है ये दो, देखते हैं। मैंने लिया ये दो डोरमैट और चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ। मुझे डोरमैट चाहिए था इसलिए लिया मैंने, और देखते हैं झूला वगैरह इधर। ले लिया है डोरमैट अपना। दो तीन स्टॉल ऐसे होते हैं, एक स्टॉल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक स्टेज होता है यहाँ सरस मेला में हर साल लगता है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है एंड लास्ट डे ना सबको प्राइज वगैरह मिलता है, वो वहाँ है। वुडन आइटम यहाँ बहुत सारा मिलता है, क्योंकि मैं ना जब भी लगता था ना यहाँ सरस मेला तो हर बार आती थी, बट बहुत टाइम से नहीं लग रहा था, काफी टाइम के बाद यहाँ लगा है सरस मेला। देखो मम्मी देखो ना, क्यूट क्यूट चाबी रिंग, बहुत क्यूट है। ए को दे दो बाबू। बहुत क्यूट है। पता नहीं क्या है। चलो यहाँ फ्लावर मेरा यहाँ फोटो क्लिक कर देना, ठीक है? सरस रसोई है जिधर खाने पीने का आइटम होगा, इतना तो मुझे भी पता है, और सरस रसोई उधर खाने का होगा, समझी? तो चलो पहले स्टॉल स्टार्ट करते हैं, उधर स्टार्टिंग है कॉर्नर, या तो इधर से स्टार्ट करेंगे या उधर से, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उधर साइड से एंड वहां से पूरा स्टॉल घूमेंगे, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं घूमेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे। काफी बड़ा मेला लगा है, बहुत बड़ा, अगर नहीं आया होना तो आ जाना, क्योंकि चार दिन अभी और है ये मेला, और वीडियो जब जाएगी तब पता नहीं मुझे कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा, कब, एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है ना इसलिए। एंड ये वीडियो मुझे पता है कि 2-3 पार्ट में जाने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ओके? तो चलिए चलते हैं अब फर्स्ट स्टॉल पे, जो कि यहाँ से दिख रहा है कि उसमें फ्लावर मिल रहा है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो चला जाए। हाँ यहाँ लो, चलो चलो। ये क्रूस से बना हुआ नहीं, चलो
आज इतना ज्यादा भीड़ है ना कि आप देख सकते हो, किसी भी स्टॉल पूछ मतलब कोई प्राइस पूछने का भी ऐसा टाइम मतलब मुझे लग रहा है कि वेस्ट है। एंड यहाँ पे इमली, पेड़ा, फ्रूट जेली, जीरा, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, बहुत कुछ है। देखिए वही पैकेट वाला सब है, नहीं टेस्ट करना ना तुमको बस आज। ये वाला तो, ये तो इमली वाला है, ये इमली है, बेर है, देखिए बेर है वो, हम इमली सोच रहे हैं। ये सुनो ना, बेर है ये, हमको लगा इमली है, बेर बन बैठिए खा कर देखते हैं। अच्छा था, हम ये नमक है, लास्ट वाला पैकेट था इसीलिए नमक है तुम्हारे में, मेरा तो बहुत अच्छा था। यहाँ साड़ी सूट बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का ये सब साड़ी?